उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। जगह जगह पर कोहरे होने की वजह से कई जगह एक्सीडेंट की भी खबर सामने आती है। अगर आप भी सुबह कहीं जा रहे हैं या निकल रहे हैं तो आपको भी हेडलाइट जलाकर आपको चलना चाहिए। और इसके अलावा पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में लगातार जो है वो वृद्धि देखी गई थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़रूर हुआ है। लेकिन इससे पहले मौसम में तब्दीली ज़रूर देखने को मिली। मौसम में तब्दीली होने का मतलब कि टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा है। ऐसे में शुरुआती ठंड की बात कर ले तो लोगों को क्या है, नज़ला जुकाम बुखार की शिकायत होती है। अगर इस तरीके की कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप प्राथमिक केंद्र पर जाएं, उसका उपचार कराएं। और साथ ही ये इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें कि कई जगह पर बारिश हुई है। बारिश के बाद क्या होता है कि साफ पानी में डेंगू के मच्छर भी पनपते हैं, तो डेंगू के मच्छर न पनपे इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आसपास जो है वो पानी जमा होने नहीं देना है। अगर आप पानी जमा होने देंगे तो उसमें मच्छर पनपेगा, तो उसकी वजह से आपको डेंगू होगा। डेंगू का मच्छर जो ज़्यादातर पनपते हैं वो किस में, साफ पानी में। और आसपास के अगर बात कर ले तो क्या करना है, आपको सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आप सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर जो मच्छर उत्पन्न होंगे और उससे आपको मलेरिया हो सकता है। गंदगी से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है, प्रदूषण से भी बचिए, गंदगी से बचिए। मौसम में तब्दीली हो रही है इसलिए आपको बचना भी बहुत ज़रूरी है।